जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आप सभी को बता दूं, आज सुबह सुबह मैंने एक बच्चे के फोन में ये मेल देखा था और आप में से भी कई बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा होगा। ये स्पेशली अग्निवीर की जो लड़कियां तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए तैयारी। आप सभी को पता है अग्निवीर की हमारे अकेडमी में बहुत सारी बच्चियां जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी बेड न्यूज भी है ये। इसके बारे में पूरी डिटेल देता हूं। जो भी बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है उस सभी को ये वीडियो पूरा देखना है। साथ ही उसकी बहन तैयारी कर रही है या कोई भी आपका रिलेटिव तैयारी कर रही है, स्पेशली गर्ल्स के लिए ये वीडियो ध्यान रखिए। देखिए अभी उत्तर प्रदेश बिहारों की आप सभी को पता है रैली भर्ती चल रही है, उसके साथ में एक नोटिफिकेशन आया एकेडमी की बच्ची है छवि पवार, ठीक है। इसमें देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ आपको मैं बता देता हूं, डियर कैंडिडेट छवि पवार, ये उसकी पूरी जो डिटेल है वो, यू हैव नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ अग्निवीर जीडी वुमेन्स एमपी यानी मिलिट्री पुलिस एज योर परसेंटेज के आधार पर जो अग्निवीर की शॉर्टलिस्ट हुई थी उसमें इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। सीधा अगर मैं आपको अर्थ समझाऊं तो सीधा सा अर्थ है कि परसेंटेज के आधार पर, यानी ये आप सभी को पता है पहले भी परसेंटेज के आधार पर ही लड़कियों को बुलाया जाता था। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे थे कि अग्निवीर में उनको इस आधार पर नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा ही किया गया है कि आपके परसेंटेज के आधार पर आपको शॉर्टलिस्टेड किया गया है। वैसे इसका जो क्राइटेरिया आपको बता दूं डिसाइड किया गया है वो है 45% पासिंग मार्क, यानी कम से कम आपके 45% होने चाहिए। साथ ही आप हर एक सब्जेक्ट में कम से कम आपके 33% मार्क होने चाहिए। लेकिन फिर भी ये देखिए अग्निवीर जीडी वुमन इनका जो परसेंटेज के आधार पर परसेंटेज वाज बिलो द कट ऑफ परसेंटेज, कट ऑफ लिस्ट हैज बीन जनरेटेड एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड इन योर नोटिफिकेशन, यानी नोटिफिकेशन में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उसी आधार पर यह शॉर्टलिस्ट बनाई गई है और उसमें आप इलिजिबल नहीं है। तो जिनके पास में ये मैसेज आ गया उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा महिला अग्निवीर का, ठीक है, फीमेल अग्निवीर का उनका नहीं आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया था जिसके आधार पर ये किया गया है, ध्यान से देख लीजिए और ये वीडियो उन बच्चियों तक पहुंचा दीजिए जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए यहां पर पूरा का पूरा डिटेल देख लीजिए, यहां पर साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि क्लास 10 में 45% आपके पासिंग मार्क होने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 33% नंबर होने चाहिए। साथ ही जिनके ग्रेड है उनका C2 ग्रेड होना चाहिए कम से कम, जो ग्रेड के आधार पर मार्कशीट है उनके लिए, ये इसमें साफ लिखा हुआ है। यानी 10th क्लास में 45% कम से मार्क आपके मार्क होने चाहिए तभी आप पास होंगे। दूसरा, अब हर एक सब्जेक्ट में आपके 33 नंबर होने चाहिए। लेकिन इसके बाद में एक मैसेज और लिखा गया है, वो आपने शायद ध्यान से नहीं पढ़ा, वो यहां पर है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट, काइंडली नोट द वंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट इज ओवर, कहने का मतलब मैं आपको सीधे अर्थों में समझा देता हूं कि जिन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन ओवर हो गया उसके बाद में एक शॉर्टलिस्ट तैयार की जाएगी, उसमें मैक्सिमम नंबर यानी हायर नंबर वालों को ही मौका दिया जाएगा, बाकी सबको मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और जो जाती है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, जिनके अच्छे परसेंटेज है हो सकता है इस बार आपको मौका नहीं मिला लेकिन अगली बार आपको मौका मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर एक, ध्यान रखना ये हर एक स्टेट की अलग अलग कट ऑफ रहेगी, जितने भी स्टेट है सबकी अलग अलग हिसाब से कट ऑफ रहेगी परसेंटेज के बेसिस पे, और फिर उन बच्चियों को मौका दिया जाएगा आर्मी में यानी अग्निवीर की भर्ती में, और हर बार ये अलग रहेगा, यानी इस भर्ती में अलग रहेगा, 6 महीने बाद में जो वैकेंसी आएगी उसमें अलग रहेगा, उसके 6 महीने बाद में आएगी उसमें अलग रहेगा। तो जो भी शॉर्टलिस्ट आती है अगर आपके उसके आसपास में परसेंटेज है या जितने भी आपके परसेंटेज है जो उसके अराउंड है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर इस बार आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो अगली बार हो जाओगे। लेकिन हाँ, जो नियम पहले चलता था वो नियम अभी भी है और ये उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल है, उसमें लिखा हुआ है कि हम जो हायर परसेंटेज वाले हैं उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे लेकिन हर बार अलग होगा, ध्यान रखना, और हर एक स्टेट का भी अलग होगा, ये इंडिया लेवल पर 1% नहीं होगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।